इसराइल ने हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की हत्या कर दी है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है और अब वैश्विक स्तर पर लोग इसराइल के अगले कदम को देखने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन उत्तर पश्चिमी सीरिया के क्षेत्रों में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत की खबर के बाद लोगों ने सड़कों पर उतर कर जश्न मनाया। जहाँ इसराइली हवाई हमले में उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लोगों को मिठाइयां बांटते हुए, नाचते हुए और एक बड़ी राहत महसूस करते हुए दिखाया गया है। खासकर असद विरोधी गुटों में नसरल्ला की मौत की खबर ने खुशी की लहर फैला दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिजबुल्ला ने सीरिया में ऐसा क्या किया कि लोग उसकी बर्बादी पर इस तरह जश्न मना रहे हैं। हिजबुल्ला लेबनान स्थित एक शिया मुस्लिम मिलिशिया समूह है। उसे ईरान का पूरा समर्थन है और उसी के दम पर अपनी गतिविधियों को हिजबुल्ला अंजाम भी देता है। इसका गठन 1980 के दशक में इसराइल के खिलाफ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना प्रभाव लेबनान से बाहर विशेष रूप से सीरिया में बढ़ाया। सीरियाई गृह युद्ध 2011 में शुरू हुआ, जब असद सरकार के खिलाफ सीरियाई जनता ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग की। इस संघर्ष ने धीरे धीरे हिंसक रूप लिया और कई दूसरी ताकतें इसमें शामिल हो गई। इसमें हिजबुल्ला की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। साल 2012 में हिजबुल्ला ने बशर अल असद की सरकार का समर्थन करने के लिए सीरिया में अपनी सेना भेजी। असद शासन अलावी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो शिया इस्लाम की एक शाखा है। हिजबुल्ला के साथ असद की सामरिक साझेदारी थी, इसलिए हिजबुल्ला ने सुन्नी बहुल विद्रोहियों के खिलाफ असद की सेना के साथ मिलकर लड़ाई की। सीरिया में अपने महत्वपूर्ण पैर खोने के डर से ईरान और हिजबुल्ला ने रूस के साथ मिलकर असद की सेना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, जिसके कारण अंततः विद्रोहियों की हार हुई। सीरियाई संघर्ष के दौरान कई अत्याचारों के लिए हिजबुल्ला को दोषी ठहराया जाता है। इस संघर्ष के दौरान हिजबुल्ला पर व्यापक मानवाधिकार हनन के आरोप लगे हैं, जिसमें सुन्नी मुसलमानों की महिलाओं का रेप, जिंदा दफनाने और आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार और गांवों पर हमले और सामूहिक हत्याएं शामिल हैं। हिजबुल्ला की सीरिया में सक्रियता के बाद सुन्नी मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं सामने आई। सीरिया के अधिकांश सुन्नी समुदाय ने असद विरोधी विद्रोह का समर्थन किया, जबकि हिजबुल्ला ने असद सरकार की सुरक्षा में हिंसक दमन किया। हिजबुल्ला की सेना ने विद्रोही गुटों को कुचलने के लिए सीरियाई सेना के साथ मिलकर कई हमले किए, जिनमें हजारों निर्दोष नागरिकों की जान गई। सीरियाई विद्रोही गुट और आम लोग हिजबुल्ला को कब्जा करने वाला मानते हैं, जो उनके घरों, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने में शामिल रहा। हिजबुल्ला की इन गतिविधियों ने सीरिया के शिया और सुन्नी संघर्ष को भी गहरा कर दिया। हिजबुल्ला पर खासकर हुम्स और अलेप्पो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हत्याएं और सामूहिक नरसंहार का आरोप लगता है, जहां विद्रोही गुटों का समर्थन करने वाले सुन्नी समुदाय को निशाना बनाया गया। सीरिया में हिजबुल्ला की कार्रवाइयों ने सुन्नी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक गहरी नफरत पैदा की और साथ ही साथ विरोध भी पैदा किया। हिजबुल्ला की मौजूदगी ने देश के पहले से ही संवेदनशील धार्मिक समीकरणों को बिगाड़ा और संघर्ष को और लंबा खींच दिया, जिसमें कि कई मासूम लोगों की मौत हो गई। सीरियाई मुसलमानों को लगता है कि हिजबुल्ला सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ईरान के शिया प्रभाव को बढ़ाने और सुन्नी समुदाय को दबाने का जरिया है। हसन नसरल्ला की मौत के बाद सीरिया के कई हिस्सों में मनाया गया जश्न इस बात की तस्दीक करता है और इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से हिजबुल्ला की कार्रवाइयों ने सीरिया के सुन्नी बहुल इलाकों में गहरी पीड़ा और दर्द छोड़ा है। नसरल्ला को सीरियाई गृह युद्ध में ईरानी प्रभाव का चेहरा माना जाता है और उसकी मौत को उन सभी लोगों के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्रियजनों को खो दिया। सीरियाई पत्रकार हादी अल अब्दलाह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बताया है कि क्यों कुछ सीरियाई हिजबुल्ला का विरोध करते हैं, इसके सदस्यों को आतंकवादी मानते हैं और समूह के खिलाफ हर इजरायली हमले का जश्न मनाते हैं। गुरुवार को शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिजबुल्ला पर कौन हमला करता है। उन्होंने लिखा, भले ही शैतान खुद आकर हिजबुल्ला के गुंडों को मार डाले, हम उतने ही खुश होंगे। 7 मिनट की क्लिप में अब्दुल्ला सीरिया में हिजबुल्ला के अभियानों की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें समूह की क्रूरता का वर्णन किया गया है। एक वीडियो पेश करते हुए उन्होंने कहा, इस फुटेज में हिजबुल्ला के लड़ाके सीरिया के कालामोन क्षेत्र के जाबदानी शहर पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधी नफरत भरी है। उन्होंने नागरिकों के घरों और उनमें रहने वाले सभी लोगों पर हमला किया है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको मारा।
उनके लिए बस यही मायने रखता था कि वे हत्या कर रहे थे। सऊदी अरब के अल अरबिया नेटवर्क ने भी पिछले हफ्ते लेबनान में हिजबुल्ला के संचार उपकरणों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोटों के बाद सीरिया में जश्न मनाने वाली प्रतिक्रियाओं को उजागर करते हुए एक वीडियो प्रकाशित किया। इस वीडियो में किसी व्यक्ति को मिठाई बांटते हुए दिखाया गया है। हिजबुल्ला का सीरियाई गृह युद्ध में हस्तक्षेप न केवल सीरिया के सुन्नी समुदाय के लिए विनाशकारी साबित हुआ बल्कि इसने पूरे क्षेत्र में धार्मिक ध्रुवीकरण को और संघर्ष को बढ़ा दिया। नसरल्ला की मौत की खबर पर जिस प्रकार सीरियाई जनता ने जश्न मनाया वो इस बात का सबूत है कि हिजबुल्ला की क्रूरता और अत्याचारों ने वहां के लोगों को कितना प्रभावित किया है। इस घटना से ये भी पता चलता है कि सीरिया के भीतर शांति और स्थिरता की बहाली कितनी कठिन होगी जब तक कि इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप समाप्त नहीं हो जाते। बहरहाल सीरिया के जश्न पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।